और कोई नहीं मेरुआ भाज गए दुहिया पैदा कर दुहिया पैदा कर दे तो चार हुई के तो का मार दियो। वाह भाई वाह, हर चीज में ज्यादा हर चीज ज्यादा हुए चाहे बच्चा कम का हुए चाहे भाई जमीन ज्यादा हो पैसा ज्यादा हो गुंडा ज्यादा हो बदमाश ज्यादा हो सड़क ज्यादा हो बंगला ज्यादा हो और बच्चा कम का हो तो फिर मंत्री और विधायक और सांसद और बंगला वाले एक ही बंगला हुए चाहे जो गरीब घूमे एगो एगो बंगला चाहिए एगो एगो बंगला चाहिए एगो एगो बंगला चाहिए जो ना कि चार बंगला तुम यहाँ बनाओ एगो मदी कम बना लो ऐसो फिर नहीं है मतलब आ गया तो हम ऐसो नहीं है कि एगो बंगला तुम नहीं बना लो एगो लखनऊ बना लो ऐसो कुछ ना है एगो बंगला तुम्हारा अगर यहाँ है तो एक वही गरीबों को बंगला हुई चाहिए आयो कोई मंगला हुई चाहिए जरूरी अगर मैं देव बना के जो भारत को बासी यहाँ रही रहो है इसका खून मास यहाँ का जो मर रहे सूखी रहे मिलिट्री वाले उनकी पेंशन हुआ बंद अब चाहे इन इन का तेल लगाओ तो ये कदम था ए भैया सरकार भैया महंगाई के अलावा हमारे कुछ बात महंगाई आसमान छुई रही हमारी मजदूरी ढोई ना छुकी इतनी आसमान बताई कि हमारे दोनों भाई साइकिल अगर के लगे होते दोनों भाई ढोमे तुम नहीं कम हुई। अच्छा सेना में जो चार साल भर्ती वाली जो अभी योजना शुरू की है वो कैसी है? बहता महागंत है। अच्छा जो बता जो मजदूरी करके या कैसे कमाई की चार साल का चार साल में काबू करी बताओ अरे कम से कम पंद्रह साल नौकरी कम से कम मिला है दस साल जब बताओ बंगला जाते दू दू बंगला हो एक लखनऊ में हो एक दिल्ली में हो एक गाड़ी जा हिया है एक गाड़ी हमारे खेत पर खड़ी हो तो सब चीज ज्यादा हो तो फिर भाई बच्चा का है बच्चों ज्यादा हो भैया हर चीज ज्यादा हो। हाँ अच्छा क्यों नहीं कितने बच्चे हो? अरे बहता अपनी औकात के हिसाब जैसे तुम्हारी यहाँ बनी औकात के हिसाब से क्यों जब गाड़ी बंगला औकात के हिसाब से नहीं है तो बच्चे भी औकात के हिसाब से क्यों बच्चे कितने होने चाहिए? बच्चे तो जितने फ्री हुई पावे उतने हो मतलब कितने? अरे चार छः तक कम से कम हुई भाई कराएं आपके कितने हैं? हमारे चार पाँच हैं। चार पाँच मतलब कोई गिनती अपने गिने नहीं थे खड़े करके? पाँच पाँच बता है पाँच है। हाँ का महंगाई का मकदमे बस सही महंगाई भाई मार कर रहे अच्छा फ्री जो बांट रहे वो बंद होना चाहिए कि नहीं? अब इच्छा उनकी जैसी हो जैसी इच्छा इच्छा नहीं आप बताइए आप जब कह रहे हैं महंगाई कम होनी चाहिए तो आप ये भी बताइए फ्री बांट रहे हैं वो बंद होना चाहिए कि नहीं बंद? उनकी इच्छा बाउन की इच्छा वो क्या कर रहे हैं तो फिर महंगाई भी उनकी इच्छा बढ़ा रहे हैं जब जो फ्री बांटेंगे तो फिर महंगाई वो कहाँ से करेंगे वही तो करेंगे नहीं जैसे गरीबन कुछ दे रहे तो उनके सूंगे बढ़ाई रहे। हाँ तो एक तरफ से अगर फ्री देंगे तो फ्री कहाँ से देंगे वो अपनी जेब से देंगे? कल यहाँ वो साइकिल चलाएंगे हमने कही मिर्चा भैया उन्होंने कहे 300 रुपया किलो हमने कहे 100 ग्राम ले लें कितने लेने बताओ किलो भाई मंगाए गए नहीं पिसाई के रहे अभी 150 रुपया मिल जाती है 70 तो हमने कहे हुआ 60 मिल जाए पिसाई हो जाए 15-20 रुपया और जब 300 उन्हें सूखे बता तो हम घूम या लपट गए यहाँ से शाहजहाँपुर मिर्चा लेने गए। हाँ कहे ना जाए मजबूत हमने कही मध्यम मिल जाए हुआ तो महंगाई आसमान छू रही ढोए ना छू रही तो महंगाई आसमान नहीं आसमान से ऊपर निकल जाएगी जब तक फ्री बांटते रहेंगे तो ना फिर बंद कर दें भैया बंद कर देना। अच्छा अच्छा कहा करें फिर महंगाई जहाँ ना हो महंगाई ना हो भैया चाहो बटी वो बंद कर दो भाई 300 तो भैया हम बताओ मिर्चा भी कितना बचाओ बताओ एक 70 एक पौने दूसरे तेल कहाँ खाते लगाओ दिन ये खाली लगाई देखो बारा इतना है लगाए ना पाओ दिखाई बेटा बात छोड़ो भैया। अच्छा तेल लगाने के लिए भी नहीं है? अरे यार पौने 200 रुपये हम तेल मजूरी करते 200 रुपया देहाती मजूरी मिलते 100 मौका मिलती ना तो खेबो का लगेबो चलिए बच्चा तुम बता। अच्छा सेंट मालो तेल डाला के बाद ससों को नहीं मिलती लगाई देगा। अच्छा मतलब तेल खाने वाला भी महंगा और लगाने वाला महंगा लगाई वाले तो खाली देखते हैं दुकानदार लगाई ना पाओ बहुत पाओ झूठी का है कहीं बारी की हम हमारा तेल लगा सेंट तेल। अच्छा हाँ खाली दुकान में धरो देखा दूर से देख ले देखो हाथ में कैसे हो। अच्छा ये बताइए योगी जी हैं वो बता रहे कि दो बच्चों वाला कानून लाएंगे। अच्छा अच्छा मतलब एक आदमी दो बच्चे पैदा कर सकता है ये कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब तक महागंत यार महागंत बा अब कोई नहीं मेरुआ भाज गए दुहिया पैदा कर दुहिया पैदा कर दे तो चार हुई के तो का मार दियो भाई मेरुआ एक हमारी है अब यहाँ आई और पैदा भाई दुई हमने पैदा कर दो हुआ भाज गई दूसरी जगह और दुई वही हुआ पैदा करते हो जाओगे चार तो आगे आदमी के मरी होगी कि मेहरुआ के मरी हो। दोनों के ऊपर नियम है औरत के ऊपर भी नियम है और आदमी के ऊपर भी नियम है कि दो बच्चे पैदा कर एक बात आओ फिर भाई हम कहो आप समझियो अगर आदमी पर दोनों कहे तो फिर मंत्री और विधायक और सांसद और बंगला वाले एक ही बंगला हुई चाहे जो गरीब घूमे एगो एगो बंगला चाहिए एगो एगो बंगला चाहिए एगो एगो बंगला चाहिए जो ना कि चार बंगला तुम यहाँ बनाओ एगो मदी कम बना लो ऐसो फिर नहीं है मतलब आ गया तो हम ऐसो नहीं है कि एगो बंगला तुम नहीं बना लो एगो लखनऊ बना लो ऐसो कुछ ना है एगो बंगला तुम्हारा अगर यहाँ है तो एक वही गरीबों को बंगला हुई चाहे आयो कोई मंगला हुई चाहिए जरूरी अगर मैं देव बना के जो भारत को बासी यहाँ रही रहो है इसका खून मास यहाँ का है बिल्कुल सही बात। हाँ 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 तो आप ये बात कहिए कि अगर दो बच्चों वाला नियम बना रहे हो हाँ। तो मंत्री जी भी एक बंगले रखे बंगला रखी हो एक एक गरीब का दिया हो संगम। अच्छा हाँ सोच हम ना गरीब की पोता हमारा बहु आप पोता बहु अदर पोता होगा ना ही कोई अदर काट हो कोई जाति बिराती को ही कहे को देने को पड़ेगी आप अब नियम अगर लाओ तो उतना हो अब नहीं तो कोई बात ही ना तुम्हारी मर्जी सही बात अब कहा
मतलब दो बच्चों कानून तभी लागू हो जब मंत्री जी का एक बंगला वाला कानून लागू। बस एक बंगला ले जाओ थोड़ा, एक तुम्हारा लखनऊ, एक तुम दिल्ली में, एक अमेरिका में जा रहे हो ना भाई। अच्छा ये पता, अभी जो है फौजियों की जो है पेंशन बंद कर दी सरकार ने, लेकिन जितने विधायक हैं, विधायक अगर 7 बार विधायक बने तो 7 बार उन्हें पेंशन मिली, 7 बार उन्हें पेंशन मिलेगी। बंद कर दिया जाए उनको, बंद कर दिया पेंशन का जरूरी। तो ये कहिए, अब हम तो कह रहा है बंद करो उनकी पेंशन, बंद करो हम का बंद करो उनकी पेंशन, बंद करो एकदम जीत जाओ। पूरी बात, पूरी बात, उनकी पेंशन जो है एकदम जीत गए, उनका बंद करो। किनकी? विधायक लोगन की। अच्छा। उनकी फट जाएगी तो शुद्ध काम करी ही, शुद्ध काम करी तो फेंक देते हैं, और नहीं तो फट जाए फेंक मिलती भाई आराम से ऐसे करे बैठे। एक हिया बनाओ बंगला, अब एक खेत में बनाओ बंगला, एक लखनऊ में बनाओ बंगला, तो ऐसा थोड़ा हुई ही। मतलब विधायक पेंशन भी बंद कर देनी चाहिए। बंद कर बिल्कुल, जब उनकी जब उन मर रहे सूखी रहे मिलिट्री वाले, उनकी पेंशन हुआ बंद, अब चाहे इन तेल लगाओ तो ये कदम अरे भैया बैठे उनने बताया तो यहाँ विदेश गए तो वही का तेल लीबो कहा भैया। अरे झूला के इधर आओ। अरे अच्छा 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 हाँ, तो उनका कहा भैया वही यहाँ ना के कहा है तो बाहर चले गए। कौन? विधायक जी के बाहर है। अच्छा विधायक जी जब जाते वहाँ मिलने तो मना कर देते हैं। जैसे गरीब आदमी जाए वो कहाँ जाए कि कहाँ है, पहले तो 5 हुई के हाथ जोड़ के वोट लेके हुई गए, और वही के बाद में जाती फिर कहते भैया हियाँ है ना कल जाइयो। अच्छा। कल तुम्हारा तो काम हुई जही कोई काम हुई, उन्होंने कहा हमारे यहाँ सड़क तन गड़बड़ है तन बनवाई देते, उन्होंने कहा हाँ बनवाई दी बाबू घबरा दी कहा तुम चुनाव अंदर वाई के अरे यार तुम आपत्ति हो बाबू फिर आपत्ति तुम्हारी। आप गए कभी विधायक जी के पास किसी काम को लेकर? ये सब काम है ना, ये सामाजिक बात बताई दे रही है आपको। बातें कैसे पता कि ऐसा कहते हैं विधायक जी? आप गए नहीं? वाह, ये दुनिया देख रहे हैं नेट पर, हमारा टीवी भी ना इनके यहाँ टीवी देख रहे हैं, इनके यहाँ टीवी देख रहे हैं, हमारा सही है ना कुछ बोला बा भैया बर्तन कुछ ना है, वो है पता है ढक्कन ना है, तुम्हें पूरी बात बताई रहे हैं। हाँ आलू कोई वो मुश्किल मेरे भाई 20 रुपया बिक रहे हैं। अच्छा हाँ रसा खाती और 100-150 के ऊपर क्रास करी गो तब तो क्या करें बता पा रही जी आओ नहीं हमें तो चटनी संग खाई लेते बच्चा आप खाती हो या तुम खाई लो हम अपने मिर्चे नमक खा लेगो। और फ्री राशन दे रहे हैं वो? अरे तो फ्री राशन का, फ्री राशन खाली 5 किलो चाहिए का वहाँ पिसाई छे तो बिया पसे नहीं पड़ रही कहाँ से दी वो मोदी जी दें वहाँ चाहिए तो फिर भाव दी वो। मतलब मोदी जी राशन फ्री दें और पिसाई भी फ्री दें तो फिर भाव संग में नहीं भाई आदमी दिन ना जैसे कोई मतलब आतंक माती लंगड़ा फंगड़ा आई बहुत पिसाई ले कहाँ से पैसा ले वो है को दी वो चाहिए। आप तो सही हैं बिल्कुल, पूरा शरीर आपका सही सलामत। अरे हम ना तो हमारे तमाम वैसे भैया विकलांग घूमते हुए तमाम लौड़िया मेहरुआ इसी विकलांग घूमते हुई विधवा घूमते हुए उनके पैसा ना 10 रुपया पिसाई। विकलांग पेंशन भी मिलती है वो अलग से मिलती है, जो विकलांग है उसको पेंशन मिलेगी वो पिसाई वो अपने पिसा ले। तो जहाँ बात भूल गए जहाँ बात तुमने सही कही भूल गए जहाँ बात तुमने सही कही हाँ वही तो अपने तेज नहीं अब ज्यादा परिवार में जैसे खर्चा है तो कहाँ से दी जाओ तो बात है। क्या कर रहे हैं अभी आप? हम तो कुछ ना मजूरी करके यार खेत पसे भाई गोद छूटा था इनका भैया बजाई अब अच्छे जगह घुस ही पड़े। अच्छा घुस ही पड़े सब खुंदी डाली जब तो बनाई अभी अभी भी जानवर खेत में घुसते हैं। अब हूँ 20 अगान मतलब भैया बताया गया वहाँ संग चलो। अच्छा। अब हूँ आऊँ दुखा कम से 20 घूरी अभी पकड़े नहीं योगी जी ने? कहाँ योगी जी भाई हुआ बैठे वही कहाँ पकड़े हैं? योगी जी ने कहा था कि चुनाव के बाद जो है ये जानवर सब गौशाला में चले जाएंगे। या कहीबे की बात कुछ ना वो पकड़ोगे ना कुछ छोड़ोगे सब घूमते सांझी पे रात में सो ही ना पाऊ थे सब मांसा खा ले देखो सब दतोते पड़े सब मांसा खा ले मेरा भैया सब मांसा खा ले। तो रात में कहाँ लेटते? खेत में? खेत में लेटर ना ही बैठे रहा थी हाँ ऐसा ना घूसी पड़े। अभी सोते कब है? सोते का दे सब ऐसे सो जाते थे कुत्ता से सो गया इसे। अच्छा कुत्ता की हम पड़े हाँ आया तो फिर भगवान लगत सही क्या कर रहे हैं हमारा पट्टा अट्टा भैया ना भिजाया और हमारे सब कुछ सही है। कैसा पट्टा पूरी बात बताओ? पट्टा हमारो भैया जमीन पट्टा में दई सरकार ने और कैसा पट्टा? अच्छा हाँ जमीन पट्टा में दी पट्टा में दई हाँ। तो दिक्कत क्या? दिक्कत है हम ना अपनाए हमारी ओके कर रहे हो लेखपाल। तो लेखपाल क्या कह रहा है? लेखपाल कहकार हो अब आउत ही ना अपली गहन दे जब हूँ चौपारी में अपली गहन दे जब हूँ ना हमारी नाप करवाई उन्हें। तो अप्लीकेशन किसे दी थी? अपली गहन दे लेखपाल। लेखपाल ने जवाब क्या दिया? जवाब कुछ ना है जवाब कहा दे वो लेखपाल जब उसे आधे उसका गांव में वाले ना है वो नपन दे दूसरे पट्टे गाँव वाले कौन विरोध कर रहा है? अरे विरोध करने वाले करते हैं फोन पहुँच जा खेत में जा नपट ही ना है और का फोन किसका पहुंच जाता है? अब फोन अब हमारी का मालूम कहीं मोबाइल हम तो पढ़े लिखे ना तो नहीं तो आपने और कहीं शिकायत नहीं की इसकी? शिकायत हमने कर चुके हैं 20 जगह आई है समझो। कहाँ कहाँ 20 जगह? कौन कहाँ कहाँ का आई हो? कोई विधायक मंत्री ना है 3-4 जिले में छोड़ो 3-4 जिलों में विधायक और क्या? अरे जो आपकी समस्या आप अपने विधायक के पास जाएंगे या 3-4 जिलों में जाएंगे? अपने विधायक का क्या करें
तो विधायक अपने नहीं करें, फिर दूसरे विधायक क्या करें? विधायक का लोग खरीद, विधायक हड्डिया मंगता लेखपाल दादी खरीद लेते। अच्छा, और का विधायक को खरीद लेते? और का कौन? लेखपाल। लेखपाल विधायक को खरीद लेते? हाँ भैया, मन का ही ना है करो का जाए। कैसे विधायक को कैसे खरीद लेते हैं लेखपाल? लेखपाल का आप जैसे कोई समस्या लेके जाओ, जेम रख के बाद में फारिक बैंक के जाए। अच्छा, और का मतलब समस्या एप्लीकेशन लिख के दी, जेम रख के बाद में फेंक दी। और का आपके विधायक कौन है? लोकेंद्र प्रताप। उनके पास गए थे? ना भैया, ना ही गए। अपने विधायक के पास नहीं गए, तीन चार जिलों के विधायक के पास पहुंच गए? अब इतना टाइम हम ना, गरीब आदमी टाइम नहीं है, तो चार जिलों में कैसे पहुंच गए फिर? चार जिलों में जब पटी हटी पहुँचे। अरे तो फिर अपने विधायक के पास क्यों नहीं पहुँचे? जब हमारे जो विधायक ना थे जब पट्टा बनो, कब हुआ था पट्टा? 2007। अच्छा, 2007 में हुआ। हाँ, 2007 से आज 15 साल हो गए, अभी तक उसका कोई सलूशन नहीं हुआ। वही सलूक ना, ये हमारा भैया ढाल है इधर, हम जब वाद हो नपो, आधो नपो ही ना है ये भैया। हाँ, वाद है मते आधो, हमने अपने भैया ही दे दो ना, ना पीके भैया को दे दिया, अपना नहीं ले पाए। अपनो लड़का को लाइट टुटलाई के ले नपता ही ना है, जहाँ बदले ना भाई वहाँ बदले मेड़ बांध है। अच्छा, और का बाकी सब सही है? बाकी सब सही है, सरकार तो अच्छा काम कर रही है। अच्छा कर रही है, और नौकरी चार साल की रखी जो मेहनत करके 15-16 साल पढ़ाई में लगते हैं, उसको नौकरी मिलेगी चार साल के, क्या फ़ायदा है? तो अच्छा काम कर रही है ये? अच्छा नहीं तो नौकरी कम से कम ज़्यादा नहीं। दब के क्यों बोल रहे हैं, खुल के बोलो। खुल कर तो बोल रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष, हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है जी। बढ़िया है? हाँ जी। कैसा काम कर रहे हैं गांव के प्रधान जी? बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रधान जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं। प्रधान जी अच्छे आदमी? हाँ। योगी जी कैसे आदमी? योगी जी अच्छे आदमी हैं, वो तो योगी हैं। योगी हैं तो सही चला रहे हैं देश प्रदेश में? हाँ, हमारे भाई हमारे हिसाब से तो सही चला रहे हैं, हम अपने दिमाग से सोचते हैं, वो तो सही काम कर रहे हैं। ये तो अभी चचा वो खड़े थे, बहुत विरोध कर रहे थे, बता रहे बहुत जो है गलत काम कर रहे हैं। दे तो अपनी अपनी सबकी अलग अलग सोच होती है, सोच ठीक है, हर किसी का दिमाग मालिक ने अलग अलग बनाया है। अच्छा, उसी हिसाब से आदमी सब सोचते हैं। आपके दिमाग के हिसाब से अच्छा कर रहे हैं? हाँ, हम अपने हिसाब से तो हम सोचते हैं, वो तो जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। क्या अच्छा कर रहे हैं, एक दो काम बताइए अच्छे वाले। अब अच्छे काम क्या, गरीब आदमी के लिए जो भी कोई भी आदमी है कुछ करता है तो वो उसके भले के लिए करता है। हाँ, कौन कौन से काम भले के लिए किए? अब कौन कौन से काम क्या, जो काम जैसे अब कोई भी गरीब आदमी के लिए रहने के लिए घर मिला है, ठीक, खाने के लिए राशन मिल रहा है, गरीब आदमी को और क्या चाहिए? तो महंगा कर दिया हर चीज़ पे, GST लगा दी खाद्य पदार्थों पे, तो सही किया कि नहीं? ये तो बात खैर सही है, GST तो मान लो लगी है, वो तो लगी है भाई, उसको तो वो हटा नहीं सकता आप GST को। नहीं, योगी मोदी जी ने जो लगाई है वो सही किया? वो जो करते हैं भाई, जो आदमी अपने हिसाब से तो सही सोचता है, हर कोई आदमी अपने हिसाब से कि कैसा करना चाहिए हमें, कैसा नहीं करना चाहिए, वो तो आदमी अपने हिसाब से सोचता है ना। अच्छा, हाँ, वो अपने दिमाग से सही सोचते हैं। क्या करते हो? हम कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं साहब, और क्या करते हैं। हाँ, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करके सब कुछ सही चल रहा है घर में? हाँ साहब, क्या करें, जो चल रहा है तो चल रहा है, अपने हर गरीब हर घर की समस्या होती है, अलग अलग अपनी हर किसी की समस्या होती है। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 5 हैं साहब। 5 बच्चे हैं? हाँ। खान पान सही चल रहा सबका? हाँ, खान पान तो हम जैसा चला पाते हैं तैसे चलाते हैं साहब। तो योगी जी कह रहे हैं कि 2 बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चों वाला कानून लाएंगे, अगर ऐसा कानून आ गया तो सही लग रहा है आपको? अब जो वो भी सही कह रहे हैं 2 बच्चे होने चाहिए, ये भी उनका भी कहना सही है, अब जिसके हो गए हैं साहब उसका क्या किया जाएगा? नहीं, जिसके हो गए वो तो हो ही गए हैं, जो है आगे के लिए तो ये तो खैर सही है, हम 2 हमारे 2 होने चाहिए। ये आपने कब सुना था? ये तो ट्रकों में भी लिखा है, कहीं भी जाओ, हाँ, हम 2 हमारे 2 ये होना चाहिए। आपने पढ़ा था? हाँ पढ़ा है, 8वीं 8वीं तक पढ़े हैं साहब हम।